खबर का रुख करेंगे कोरबा से। इस वक्त मिल रही है सीएसईबी के मालगाड़ी के इंजन का कपलिंग टूट गया है। सीएसईबी में कोयला परिवहन पूरी तरह से ठप हो गया। पिछले तीन दिनों से पटरी पर यह इंजन खड़ा हुआ है। केपी नगर रेलवे क्रॉसिंग के पास ये घटना घटी हुई है। इंजन का की मरम्मत की जा रही है। ज्यादा आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारी घटना की जानकारी देने में भी आनाकानी कर रहे हैं। तो इंजन की मरम्मत का कार्य लगातार जारी है। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं मनोज यादव जो के ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, क्या ताजा स्थिति अभी मौजूद वहां पे मौके पर है? ये मौके पर जो मरम्मत कार्य शुरू हो चुकी है और मौके पर सीएसबी के अधिकारी कर्मचारी इस पर जुटे हुए हैं। आप जो है सीएसबी प्लांट से जो है मालगाड़ी मानिकपुर कोयला खदान की ओर जा रही थी, इस दौरान एक घटना घटी है। एक घटना पिछले तीन दिन पहले की है, जबकि अधिकारी कर्मचारियों की इसकी जानकारी पहले की घटना है और अभी तक अधिकारी मतलब किसी तरह की जानकारी मुहैया कराने में भी आनाकानी कर रहे हैं और तमाम चीजें तमाम व्यवस्थाएं ठप पड़ी हुई हैं। क्या कर रहे हैं तीन दिन से, क्यों मरम्मत कार्य नहीं किया गया था? अधिकारियों का कहना है कि लगातार अपन मरम्मत कार्य जारी ही रखे हैं और मालगाड़ी के इंजन के जो पहिए के एक्सल टूट जाने से ये घटना घटी है और लगातार इस पर प्रयास जारी है, ये कहना है अधिकारी और कर्मचारियों का। हालांकि इनका एक और कहना है कि जो है इसके लिए सीएसबी प्रबंधन कोयले के स्टाफ पहले से रखी हुई है, ऐसी स्थिति में निपटने के लिए कोयले के स्टाफ सीएसबी प्रबंधन पहले से रखती है। चलिए मनोज, खबर पर नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। बहरहाल जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। एक और बड़ी खबर का रुख कर ले।